तो फिलहाल आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि जनसमर्थ के हम ऑफिशियल वेब पेज पे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो 50,000 रुपये तक का देखने को मिल जा रहा है, जो कि हमारा मंथली EMI 1060 यानी तकरीबन मान लो यार तो 1,000 रुपये का ही बनेगा। और इस लोन को आप 5 सालों तक वापस कर सकते हो या 5 सालों के अंदर में भी वापस कर सकते हो। मैं पहले बता दूँ कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत 50,000 रुपये तक का लोन आपको शिशु मुद्रा लोन के अंदर देखने को मिलता है, और आज आपको यही पता चलेगा कि आज आप जो है इस लोन को अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आपको लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली इस पे करेंगे क्लिक, और इसके बाद आपको इस पे सिंपली लॉग इन करना होगा। तो हम सारी चीज़ें आपको करके बताने वाले हैं। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाव यूट्यूब चैनल, जहाँ गए आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पोर्टल के मदद से आप लोग कैसे ले सकते हो शिशु मुद्रा लोन को, वो भी घर बैठे। जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आपको जो है सभी बैंक्स की तरफ से भी ऑफर होता है, बैंक सर्विसेज में भी आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में जो है लोन देखने को मिलता है। और इस लोन की बात करते हैं स्पेशली जो कि शिशु मुद्रा लोन है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है इस लोन को, स्पेशली जो लोग नए बिजनेस में अपने कदम रखते हैं उनको एक फंडिंग की नीड होती है 50,000-1,00,000 रुपए तक के अमाउंट के लिए, जिसमें यहां पे शिशु मुद्रा लोन जो है काफी हद तक मदद कर देता है। तो जनसमर्थ के वेब पोर्टल से, जनसमर्थ के वेब पेज से कैसे आप लोग इस लोन को अप्लाई करोगे इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी अदर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हो वो सीधा आपको जनसमर्थ पे भेजता है। तो हम सीधा जनसमर्थ से ही क्यों ना लोन अप्लाई कर ले। इस वीडियो को जानने के लिए, पूरा इस वीडियो को देखने के लिए एंड तक वॉच करते रहे और जानेंगे आपको कि मतलब आप लोग इस वीडियो में जान पाएंगे कि मुद्रा लोन, वो भी स्पेशली शिशु मुद्रा लोन को कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में दो प्रोसेस, दो स्टेप्स है, तो ध्यान से दोनों को वॉच करना, और ऑप्शनल है, आप चाहो तो किसी भी एक की मदद से जो है फॉलो करके उसके प्रोसेस में जो है वीडियो में आगे बढ़ करके लोन को अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े, तो वीडियो को आप हमें इंस्टेंट फीडबैक दे सकते हो इस वीडियो के बारे में। इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और जनसमर्थ से आप लोगों को शिशु मुद्रा लोन क्यों अप्लाई करना है कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। और शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं तक प्रोसेस एंड स्टेप्स की। तो आपको बता दो, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपका ये वीडियो जो वॉच कर रहे हो, वीडियो की जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल भी जैसे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने अभी फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है, loanpower.in करके साइट मिलेगी। तो सिंपली आपको इस पर करना है क्लिक, वेबसाइट लिंक पर क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से शोन आउट करेगा। अब यहाँ पहुंचने के साथ ही आपके सामने काफी सारे जो है यहाँ पे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, यानी मेन जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा, और साथ ही में यहाँ पे आपको अगर A to Z ध्यान से होगी, जब आपके पूरे यहाँ पे वेबसाइट अच्छी तरीके से खुल जाए, यहाँ पे सारे मेन्यूज बार आपके सारे काम करने शुरू हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ जो आपको मेन्यू बार का ऑप्शन मिल रहा है, पहले आपको इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, और इससे पहले आप इसमें बैंकिंग या बैंक लोन किसी में भी जा सकते हो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेप की तरफ आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे हम पहले बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो बैंकिंग के ऑप्शन में जैसे ही हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो कैटेगरीज है वो अनेबल हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसके बाद आपको दोबारा मेन्यू बार पे क्लिक करना है, और अब की बार आप जो है सर्च के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ रिजल्ट्स फास्ट करने के लिए आप कैटेगरी को अनेबल कर सकते हो, वरना ये आपकी चॉइस है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कीवर्ड सर्च करना होगा जो कि है जनसमर्थ, ठीक है, जनसमर्थ और PMMY, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेना है, तो जनसमर्थ PMMY आपको डालना है, और सबसे टॉप पे आपको आर्टिकल मिलेगा जनसमर्थ PMMY लोन अप्लाई ऑनलाइन और ई मुद्रा लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो। मुद्रा लोन के अंदर तीनों लोन आएंगे, शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन और तरुण मुद्रा लोन, तो ये आपके लिए आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है, आर्टिकल या रीड मोर के ऑप्शन में किसी भी क्लिक करना है, और आपका आर्टिकल आपका डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब यहाँ आर्टिकल खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि लोन अमाउंट कितना मिलता है। वैसे तो ये बात खैर सबको ही पता है कि 50,000 से 10,00,000 के बीच में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। साथ ही में जो आप पे यहाँ पे बात करते हैं टाइमिंग की, तो डिपेंड करता है आपकी लोन अमाउंट पे और बाकी सारी चीज़ों पे भी डिफर करता है काफ़ी बार। तो इसके लिए आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, जिन लोगों को बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है PMMY लोन के बारे में या मुद्रा लोन्स के बारे में, वो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, और कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा यहाँ पे लाने का कारण है वही अप्लाई नाउ का जो लिंक, ये एक्चुअली में ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ नहीं है, ये एक लिंक है जो सीधा लेके चल जाएगा आपको जनसमर्थ के वेब पेज पे। तो इसके अप्लाई नाउ के लिंक पे आपको करना है क्लिक, और जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने शो करेगा, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे भी आप लोग यहां पर देख पाएंगे। तो ये तो आपने फिलहाल ये चीज़ नोटिस कर ली है, देख भी ली है कि यहां पे आप जो है सीधा आ चुके हो जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब दूसरे एक बात करते हैं, दूसरे स्टेप की या दूसरे प्रोसेस की, जो कि मैंने वीडियो के अंदर आपको बताई भी है। यहां पे जो भी आपके फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ब्राउज़र कोई भी हो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, कोई से ब्राउजर को आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर के अंदर सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को डालना होगा, कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है जो कि है जनसमर्थ,
ठीक है, जनसमर्थ डाल के आपको सिंपली सर्च कर लेना है। जनसमर्थ डाल के सर्च करोगे तो पहले आपको मिलेगा यहाँ पे वेबसाइट जनसमर्थ की, और यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे और तो सीधा ही पहुँच जाओगे जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे। दोनों ही स्टेप्स आपके लिए ईजी हैं, दोनों में से जिस पे भी चाहो आप जा सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे आने के साथ ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। जिन लोगों का नया अकाउंट है या फिर जिन लोगों का यहाँ पे अकाउंट नहीं है, सबसे पहले उनको अपना न्यू अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए यहाँ पे जो आपको प्रोफाइल का आइकन मिल रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। हालांकि देखिए तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो है अकाउंट बना हुआ है पहले से, तो एक दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिनका अकाउंट नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या करना होगा। आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे डालना होगा, आई रीड केयरफुली गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी भरना है, फिर आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है और फिर लॉग इन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। लॉग इन बटन पे जाना है और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड वगैरह डाल के ओटीपी वगैरह डाल के लॉग इन कर लेना है, और सिंपली तरीके से आप भी लॉग इन सक्सेसफुली कर जाओगे। इसके बाद आपको कैसे पीएमएमवाई लोन अप्लाई करना है, स्पेशल शिशु मुद्रा लोन को, वो देखते हैं। नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है बिजनेस एक्टिविटी लोन का। इसके चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में आपको पहले तो क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है चौथा ऑप्शन अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। तो इस पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सारे सारे सटीक और सही होनी चाहिए, इसकी गारंटी आपको लेनी होगी। तो इसके लिए क्या करना है, पहले बताना है कि आप इस बिजनेस में नए नए जुड़े हो या फिर पहले से ही आपका वो, ये बताना होगा। तो सारी चीज़ को टिक मार्क करते आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप, आपकी जो एजुकेशन है वो 8 क्लास पास है कि नहीं है, इसके अलावा आपने EDB ट्रेनिंग ली है कि नहीं है, इसके अलावा आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आप सामान बनाते हो, सामान बेचते हो या सामान की ट्रेडिंग करते हो, इसके अलावा आपका जेंडर क्या है, आप सोशल किस कैटेगरी में आते हो, जनरल ST ST OBC किस में से, आप हैंडीकैप हो या फिर आपने एक्स सर्विसमैन रह चुके हो वो बताना है आपको, नॉर्थ ईस्ट रीजन से तो नहीं आते हो, इसके अलावा आप शहरी हो या गाँव में रहते हो वो भी बताना है, इसके अलावा आप इस बिजनेस को जो है एज एन एप्लीकेंट इंडिविजुअल या फिर नॉन इंडिविजुअली देना चाहते हो या फिर किस तरीके से ऑपरेट करते हो, आपके बिजनेस का टोटल जो है वर्थ कितना होगा। तो फिलहाल मान लेते हैं 5 लाख तक का यहाँ पे वर्थ होगा आपका, और इसमें पूछा गया कि आप कितना निवेश कर सकते हैं अपनी तरफ से या निवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पे 4,50,000 मैं मान के चल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा एलिजिबल अमाउंट है वो होगा 50,000 रुपये तक का। अब इसके सिंपली कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे 2 स्कीम्स मिलेंगी, जिसमें हमें पहला ही लोन मिलेगा वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में। इसके बाद 50,000 तक का लोन हमारा एलिजिबल होगा, 1,060 रुपये तक की हमारी मंथली EMI बनेगी और 5 साल तक के लिए लोन जाएगा मुझे, ठीक है। स्कीम डिटेल्स पे जाओगे तो स्कीम के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये स्कीम के अंदर क्या कहता है और क्या क्या इसके अंदर लोन है वगैरह, मतलब बेसिकली सारी बातें, ठीक है। अब मेन बात, इस लोन को अप्लाई करना कैसे है, प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करना है। जिन लोगों ने अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया होगा उनके लिए लॉग इन टू प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, बट जिनका अकाउंट यहाँ पे है, जिन्होंने रजिस्टर कर लिया, लॉग इन भी कर लिया, उनको सीधा प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने दोबारा रिव्यू डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, तो कंटिन्यू के ऑप्शन में आपको दोबारा क्लिक कर देना, क्योंकि आपने डिटेल्स भरी हो गलत नहीं होगी, पर आप क्रॉस चेक के लिए सारी डिटेल्स को दोबारा चेक कर सकते हो। कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है और आपके सामने एक मैसेज भी आ जाएगा, देख सकते हो आ चुका है मैसेज। और ये आने के साथ ही जो है आपको अब 5 चीज़ अपने साथ में रखनी होगी, जो कि पहले आपको अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उद्यम आधार कार्ड मतलब होता है उद्योग आधार नंबर और आधार कार्ड, जो कि अगर आपको नहीं पता है उद्योग आधार नंबर को कैसे जोड़ते हैं बता दूंगा, सेल्स डिटेल्स कि आपने आज तक कितना सामान बेचा है या फिर कितना सामान मैन्युफैक्चर किया है, मतलब ऑल डिटेल्स मंथली के भी हिसाब से होगा और साथ ही में साल के हिसाब से भी होगा। बैंक अकाउंट डिटेल में आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट और आपको सारी चीज़ें डालनी होगी जिसमें आपकी बैंक की डिटेल्स वगैरह आ जाए। प्रोसीड के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, ये पूरे एग्रीमेंट्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको अपनी जो डिटेल्स वगैरह है जैसे कि पैन कार्ड को अपने डिटेल डालना होगा, आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, प्रोसीड करना होगा, इसका सेल्स डिटेल्स को फिल करना होगा, यही सारी चीज़ें करनी है, और इसके बेसिस पे आपका जो है PMMY शिशु मुद्रा लोन इजिली अप्लाई हो जाएगा। और यही था आज की वीडियो में जो कि आप लोगों ने जाना है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। और लोन पाउच चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, और बाकी कोई भी दिक्कत आ रही नीचे कॉमेंट्स मुझसे लिख के पूछ सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।